बहुत टाइम से हमें जुड़े हुए हैं और प्रत्येक हर रविवार को अजमेर में आके अपने हमको भक्तों को बहुत ध्यान देते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हम इनके बहुत आभारी हैं कि ये प्रत्येक शनिवार को दिल्ली से निकलते हैं और हर रविवार को यहाँ पे अपनी क्लास देते हैं। बाकी हमारे अजमेर के एस्कॉन के जो कुछ भक्त हैं, हमारे सीनियर भक्त राम गोविंद प्रभु, हरि बोल, हमारे भगवान प्रभु, ये भी क्लास लेते हैं हमारे वैशाली नगर में मंगलवार को, हरि बोल। निरंजन प्रभु, हरि बोल। महेश प्रभु, महेश प्रभु का, राजेश प्रभु, हरि बोल। महेश प्रभु स्टेज पे है, महेश प्रभु, जिनके कारण कहते हैं कि जो सौजन्य और सूत्रधार बनता है। नहीं, ये तो परम भक्त की हमेशा यही होती है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जिनसे मिलकर कार्य। नितेश जी का हम बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद कहते हैं, जिनके कारण हमारी आज की यह आध्यात्मिक यात्रा आपके द्वारा संपूर्ण हुई। कोई ना कोई तो सूत्रधार बनता ही है और किसी न किसी का तो साथ और तो हमारे साथ उनका अभिषेक करते हैं और उस अभिषेक से हम और आपको आज सुनने का मौका मिलेगा, इस हेतु सम्मान आप तक। सम्मान की श्रृंखला में ही हमारे बीच महापौर नगर निगम श्री धर्मेंद्र जी गहलोत साहब विराजमान है। मैं माननीय कंवल भाई साहब, उमेश जी गर्ग और लेखराज जी हम से अनुरोध करती हूँ, अनुराग जी त्यागी से भी सादर अनुरोध, माननीय धर्मेंद्र जी गहलोत साहब के स्वागत के श्रृंखला से जुड़े और हम सबका भाव वहां तक पहुंचाएं। स्वागत की इसी कड़ी में श्री मनोज सेन, श्री नारायण जी गुर्जर, श्री मणिलाल जी गर, श्री बालकृष्ण जी पुरोहित से सादर अनुरोध है मंच पर पधारे और हमारे मोहन तुलसियानी साहब से सादर अनुरोध मंच पर पधारे और हरे इंदौरिया साहब को मंच पर, माननीय श्री महेंद्र जैन जी मित्तल साहब मंच पर पधारे और हमारे आज के यजमान श्री गोपाल जी गोयल साहब कांच वालों का स्वागत और सम्मान करें। श्री इंदौरिया जी मंच पर है, श्री महेंद्र जैन जी मित्तल सर, श्री सुरेश जी शर्मा, श्री आई जी भंबानी साहब से अनुरोध है मंच पर स्वागत की श्रृंखला, नारायण जी गुर्जर मंच पर, साकेत जी काबरा, श्री सोहनलाल जी से अनुरोध है सम्माननीय मंच पर, हमारे यजमान श्री सीताराम जी बंसल साहब के स्वागत और सम्मान हेतु। साथ ही मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारी समिति कैलाश सिंह जी, श्रीमती लीला जी साहू और नीना जी शर्मा को मंच पर पधार, श्री तेजेश्वर प्रसाद जी इत्र वाले देवेश भैया का स्वागत और सम्मान। श्री तेजेश्वर प्रसाद जी, श्रीमती
इसी श्रृंखला में श्री अखिल जी गोयल साहब के स्वागत है तो श्री सीताराम जी बंसल साहब, लीला जी साहू और नीना जी भी मंच पर पधारी हैं स्वागत करने हेतु। हेमा जी से अनुरोध है मंच पर पधारें, और हमारी जो महिलाओं की पूरी टीम है उनसे अनुरोध भाभी का स्वागत और सम्मान। अब हम प्रारंभ कर रहे हैं हमारे राम नाम के साधकों के सम्मान की कड़ी। मैं पूरन सिंह जी चौहान और संजय जी गोयल से अनुरोध करूंगी इस कड़ी में परम श्रद्धेय श्री हनुमान सिंह जी राठौर साहब, जो हमारे मध्य यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में हैं, उनके साथ जुड़े। श्रीमती कल्पना अग्रवाल, श्रीमती कल्पना अग्रवाल, श्री दिनेश कुमार सोमानी, श्री दिनेश कुमार सोमानी, श्रीमती बसंती मालू, श्रीमती बसंती मालू, श्री गिरिराज जोशी, श्री गिरिराज जोशी, श्री विनोद कुमार टांक, श्री विनोद कुमार टांक, श्री भंवर लाल जी पाठक, श्री भंवर लाल जी पाठक, कुमारी अर्चला जी शिवहरे, अर्चला जी शिवहरे, श्री सावन राम सिंघल, श्री सावन राम सिंघल, श्री रामपाल जी, और हमारे आज की सुंदरकांड प्रस्तुति के श्री श्याम जी शरणागत मंडल। श्री श्याम जी हमारे सुंदरकांड के आज के वाचक। बहुत ही सुंदर सुंदरकांड का प्रस्तुतिकरण हमारे इस मंच के माध्यम से आज पांचवें दिन भी प्रसारित हुआ, और अब डॉक्टर स्वतंत्र कुमार एवं साथी श्री श्याम शरणागत मंडल। धन्यवाद श्रीमान। जो अनगिनत कामदेवों की समान तेजस्वी छवि वाले हैं, जो नवीन नील मेघ के समान सुंदर है, जिनका पीतांबर सुंदर विद्युत के समान है, और जो पवित्रता की साकार मूर्ति श्री सीता के पति हैं, कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचिशु